हेलो गाइस, मेरा नाम है नवीन सिंह। जाओ दोस्तों, इस वीडियो को एंजॉय करो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। तो मैं आपको बताने वाला हूँ आज राउंड टू हेल के बारे में फुल डिटेल और स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। मुरादाबाद, मुरादाबादी दाल की बात हो या मुरादाबादी पीतल की, दोनों ही बहुत फेमस हैं। पर आजकल मुरादाबाद एक और चीज़ के लिए फेमस हो चुका है, इन तीनों के लिए। इन्हें आपने ज़रूर देखा होगा। आज मैं आपको बताऊंगा राउंड टू हेल के बारे में, जिनके एक टाइम पे सिर्फ 200 व्यूज आते थे, पर आज उनके व्यूज मिलियन में हैं। सो क्या हाल चाल, सप्ताह के आपको अपडेट्स मिलता है। सबसे पहले नाजे महमद, वसीम अहमद, जियान सैफी, इन तीनों ने राउंड टू हेल की शुरुआत की फुटबॉल फ्री स्टाइल वीडियोज के लिए, और फुटबॉल से रिलेटेड दो वीडियोज भी डाली। पर उसके बाद उन्हें आइडिया आया पगली कैप्शन वीडियो ट्रॉल का, और नवंबर 6, 2016 को अपलोड कर दी। दो दिन में इस वीडियो को 220 व्यूज मिले। ये देख के वो बहुत खुश हुए, आखिर उन्हें 120 व्यूज तो मिले। फिर उन्होंने सेकंड पार्ट डाला 20 नवंबर को, उस पर 200 व्यूज आए। सेकंड पार्ट के बाद उन्हें काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, उन्हें हर जगह से सिर्फ डीमोटिवेशन ही मिली, और इस वजह से उन्होंने वाइंस बनाना बंद कर दी। एक हफ्ते बाद उनके सबसे अच्छे दोस्त आलम सैफी ने उन्हें ट्राइपॉड गिफ्ट किया, और जोश जोश में तीनों ने डीएसएलआर वीडियो शूट की और 17 दिसंबर को डाल दी। लगभग एक महीने बाद उस वीडियो पे भी 250 व्यूज आए, वो भी सिर्फ 3 दिन में। नाजिम, वसीम, जियान को लगा कि हम नहीं कर सकते, पर तब भी उन्होंने हार नहीं मानी, वीडियो बनाते रहे और फिर जिम वाली वीडियो बनाई, अपना फेसबुक पेज बनाया और पोस्ट कर दी। उस वीडियो के मेरा चैनल करो जल्दी से सब्सक्राइब। बस फेसबुक पे उनकी वीडियो पे 100K व्यूज आए, तब भी उनकी यूट्यूब वीडियोस पे 500 व्यूज ही आ रहे थे, पर उनका हौसला नहीं टूटा। उनकी गेम चेंजर वीडियो साबित हुई जियो यूजर आफ्टर 31 मार्च, और उनके सब्सक्राइबर्स 295 से 16,000 पहुंच गए सिर्फ इस वीडियो के बदौलत, और ये सब सिर्फ हुआ 2 दिन में। 2 दिन में उनकी वीडियो 1,00,000 व्यूज पार कर गई। उसके बाद तो सबको पता है राउंड टू हेल ने क्या कर दिखाया। फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, सोसाइटी ने भी सपोर्ट नहीं किया, यहाँ तक गली के लड़कों ने उनकी वीडियो शूट करी, और कभी जियान के भाई ने। ना कोई बड़ी टीम, ना कोई बड़ा सेटअप, एक दोस्त आलम सैफी जिसने हमेशा मोटिवेटेड रखा, और आज राउंड टू हेल 7,00,000 सब्सक्राइबर्स के करीब पहुंचने वाला है, और उनकी हर वीडियो पे 1,000,000 से ज्यादा व्यूज होते हैं। इन तीनों 12th पास लड़कों का ख्वाब पैसे कमाना नहीं, फेमस होना था। जो ये हुए अपनी मेहनत से हुए। इनकी जर्नी से हर यूट्यूबर को एक चीज सीखनी चाहिए कि डोंट गिव अप, जो मैंने भी सीखा। दिल्ली NCR और राउंड टू हेल के फैंस, अगर आपको वीडियो हल्का सा भी अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करना यार इसे, और दबा के शेयर करना, क्योंकि ऐसी स्टोरीज हमें सुननी बहुत इंपॉर्टेंट है।